अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। अच्छा, आज हम लोग आए हैं कलर कार और काफ़ी टाइम बाद आए हैं। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते थे, फिर बस ख़त्म कर दिया है। अभी इनके ये झील वाला जो एरिया जा रहा है उस पोर्शन में इंटर होने लगे हैं। मतलब पहले तो ये सब एक ही था ना, अब इन लोगों ने सेपरेट सेपरेट कर दिए। एक जगह झूले हो गए, एक जगह झील वाला एरिया अभी आगे जाके। और यहाँ पर एक वजह जो ना आने की है ना, वो यहाँ की सस्ती आवाम है इंतहास ज़्यादा। बरल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फोकस्ड अपने व्लॉग पे रहूँ। आगे आ जाओ, क्या हुआ? तो ये नई चीज़ बनी है, बल्कि ये था लास्ट टाइम भी, पता नहीं मुझे याद नहीं है। हम लोग बहुत टाइम बाद आए हैं, बाहर से ही बस देख जाते हैं। पहुंच गए हैं, चलते तो हैं ना। मैं बचपन में ये चीज़ें हमें इतनी फैसिनेट करती थी, ये जो बास्केट्स बनाते हैं और उस तरह करके, अब भी ये कि क्वाइट कॉमन हो गई हैं। अच्छा, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी बोटिंग का प्लान कंफर्म। जाना है बोटिंग? नहीं नहीं, स्मेल आ रही है पानी की, देख बू आ रही है बू। हाय, पता ऐसे पता है क्या लग रहा है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। ये क्या इतनी स्मेल ऐसे आ रही है जैसे किसी ने अंडे तोड़ तोड़ के ना फेंके हैं झील के अंदर, या जैसे किचन में अंडा टूट जाए ना तो इतनी गंदी बू आती है ना, इतने बुरे हालात हैं। तो बस ये व्यू यहाँ से देखें, क्योंकि ये मैं टिकट के बगैर जाने नहीं देंगे, और मेरी अम्मी प्रेफर भी नहीं करेगी कि हम जाएं यहाँ से। बस हम फिर वापस जा रहे हैं। इनका बहुत पुराना वैसे ऊँट है, इसका नाम बादल है। उठने लगे अभी। अल्लाह खैर, अच्छा हमने एक वो वाली साइड मतलब अभी कवर किया है। अभी हम लोग इस पोर्शन में जा रहे हैं। तीन मतलब इसके मेन जो हिस्से हैं ना, वो तीन हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या मतलब, जब हम स्टार्ट में आते थे ना, या पहले हम छोटे छोटे थे होते थे, इतना हमें सेंस भी नहीं था। हैं, ऐसे ही हो सकता है। हमें उस टाइम मॉल भी अच्छा था, या पता नहीं क्या था, मतलब बहुत ठीक थी चीज़ें। अभी तो ऐसे इतने शायद हमारी आंखों में घूमने कुछ ऐसा ही सीन था। पोर्शन में हम आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए वैसे काफ़ी झूले हैं, बोट लगी हुई है, और लेकिन फिर भी एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट। मतलब अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो फिर इधर आपको बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी एक अच्छा रिक्रिएशन, हाँ मतलब आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सेकेंड पोर्शन के हम एंड तक आ गए हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा हमने और करना तो है नहीं, अब थर्ड पोर्शन में आपको दिखा के हम निकलते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी नहायत काली पड़ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अब ये इनका लास्ट थर्ड पोर्शन है, और हम लोग यहाँ से इसका क्या नाम है, अली बाबा पार्क। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं यार, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम आपसे भी ठप्पे लगवाते हैं। कितने का लग? 20 का लगा रही हैं लगवाने, एक ठप्पा लगा दें। वैसे अभी भी देखें, अगर फैमिली आना, मतलब जगह बहुत प्यारी हैं ऐसा, मतलब इन लोगों ने एफर्ट की है। बस ये कि लोग अच्छे नहीं आते, मतलब फैमिली के साथ शायद आते नहीं हैं, तो
ये मसला है। बाकी ये के झूले वगैरह नए, ये लोग ना कलर कार को बहुत ज़्यादा महदूद कर रहे हैं। रिक्रिएशनल एरिया को एरिया साथ वाला यूज़ कर, हाँ मतलब अब ये थोड़ा सा बाउंडेड बाउंडेड लगता है, क्योंकि मतलब तीनों पार्क इकट्ठे हैं, हर तरफ झूले झूले, मतलब जो इसका बेसिक पर्पज़ था ना कि झील नज़र आए, अब ये है कि हर तरफ झूले झूलों की वजह से कम कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा अब इनको एरिया बढ़ा देना चाहिए। ये थर्ड पार्क हमारा फेवरेट झूला जी, बहुत ज़्यादा इसका कलर पहले ग्रीन हो रहा है, और छोटा भी नहीं होती थी पहले, नहीं यही थी, कलर चेंज हुआ है ग्रीन और ब्लैक कलर की। और ये थर्ड पोर्शन का बिल्कुल लैंड है। अभी हम बैठ जाते हैं, खाना वगैरह तो हम खा के आए थे, चाय हम लोगों ने पीछे से पी है, और अब हम लोग देखते हैं कोई हल्का फुल्का अगर हमें खाने को मिलता है तो हम लेते हैं। ये जो थर्ड पोर्शन था इसके, मतलब ये झूले लगे हुए हैं ना, इसके इस साइड पे कुछ इन्होंने परिंदे भी रखे हैं। ये कौन सा है, काकटेल ऑस्ट्रेलियन पैरट है। नीचे क्या है, नीचे ऐसी है कोई तितर से, तितर क्या तितर की किस साइज ने, इसके नीचे लिखा भी नहीं है प्लेट में, कोई इसकी लगी भी नहीं है। और यहाँ पे फाख्ता है, इसमें है ही नहीं, ऐसी उन्होंने बस मैंने चलाई फाख्ता नहीं है बाकी। आगे ये क्या है, इंडियन रिंग, इंडियन रिंग भी नहीं, पाकिस्तानी तोते, मतलब ये जो बोलने वाला तोते उसे शायद नहीं बोल सकता, हाँ बस। और यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उनके नाम लिखे हैं। और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे चेन्स वगैरह हैं बच्चों के झूले, लेवल से ऊपर वो नहीं चाहते, हाँ ये शॉपिंग वाली हैं। अभी वैसे इन लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, हमारे टाइम पे यहाँ पे मतलब बहुत कम नहीं था, और इतना कवर्ड भी नहीं था, हम लोग आते रहे दरमियान में, लेकिन हमने इतना कॉन्क्रीट पर बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक लेंटल पे लेंटल इन्होंने डालना स्टार्ट किया, अर्निंग की वजह से बहुत खराब हो गया। और ये वाला जो मोशन राइड है ना, उसमें आपने कभी भी नहीं आना, जैसे एक दफ़ा मैं इसे बैठी थी और बेल्ट टूट गया था इनका, और मेरी टांग जो थी ना उसमें कुछ दो हफ्ते वल पड़ा रहा था जी, और ये तो बीमार हुई थी, साथ हमारी अम्मी भी कुछ टाइम के लिए बीमार हो गई थी इस इंसिडेंट के बाद से। और यहाँ पे प्याली, बल्कि अभी भी प्याली है इस जगह पे, मतलब देखो प्याली यहाँ पे लगी हुई है, पहले चेन की कहाँ गई हैं भाई, अब इतना जो मिस इन्होंने कर दिया, नहीं लाए हैं लेकिन बढ़ा दिया बहुत काम। यहाँ पे बस ये गोलगप्पे वगैरह हैं, और वो जो सामने जो है आइडियल शॉपिंग सेंटर, यहाँ से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। अच्छा इस दफ़ा हमें आके यहाँ लगा है कि यहाँ पे मांगने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, कहाँ से बर्फ़ का गोला मिलना है। अच्छा यहाँ पे पकौड़े बचपन से, बहुत शुक्रिया भाई। तो यहाँ पे मांगने मतलब पहले इतना कॉमन नहीं था, यहाँ पे बर्फ़ का गोला हमें नज़र आया है, ये भाई दे रहे हैं तो इनसे भी हम लेते हैं। चले आज का हम लोग अभी भी ये लेते हैं बर्फ़, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। आज का भी लोग मैं अपना यहाँ ख़त्म करती हूँ। और यार नहीं, यहाँ पे बहुत गंदा ट्रेंड आया है, मतलब इतने लोग मांगने वाले हैं, इतने लोग मतलब जितने घूमने वाले नहीं इतने मांगने वाले हैं। आज का भी लोग हम यहाँ ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले भी लोग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।